तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर वन के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर वन और टू में डाउट। टू में, टू पॉइंट चार्जेस सर्टन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ एफ। देखो एयर या वैक्यूम यहाँ पर एक ही बात है, एक बात को समझ लें ठीक। वैसे एयर और वैक्यूम डिफरेंट होते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर एयर वैक्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं माना गया। तो फोर्स की वैल्यू वो कह रहे एफ है। ग्लास की प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, तो ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस हो गई, तो आपको ये बताना है कि फोर्स एफ डैश हो गई, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स या कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, किसी भी और मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। वैक्यूम का वन है, अदरवाइज ऑयल वाटर जो भी मीडियम है ग्लास ग्रेटर देन वन है। तो फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन ग्लास इज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन ग्लास इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ जी, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ग्लास के अंदर जो फोर्स है वो हमेशा कम आएगी वैक्यूम से। आगे से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वैक्यूम के अलावा दुनिया का कोई मीडियम आ जाए, ग्लास ऑयल कोई भी मीडियम, फोर्स वैक्यूम से कम ही होगी, सोचना ही नहीं है। तो एफ डैश इज लेस देन एफ होगा, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं। तो ये तो जस्ट मैथमेटिकल रूल वैसे बता रहा हूँ, पर जरूरत नहीं है, किसी मीडियम में फोर्स हमेशा वैक्यूम से कम ही होगी, बात खत्म। क्लियर है यादव? क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स। सिक्स में ये काटा मार दो, क्योंकि ये डायपोल का क्वेश्चन डल गया, अभी वो नेक्स्ट चैप्टर है, गलती से डल गया, इस असाइनमेंट में नहीं होना चाहिए था, अगले असाइनमेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइव बे, ऑन चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब हमने बॉडी को क्या किया, टच किया, तो या तो उसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दूसरी बॉडी में, है ना, कुछ भी एक चीज तो होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ गए एक्सेस हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो गया, और अगर चले गए तो इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर सेवन, मेटल या कोई भी कंडक्टिंग प्लेट अगर चार्ज के बीच में आए फोर्स जीरो हो जाती है, क्यों, क्योंकि फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन ब्रास प्लेट इज के, ये मीडियम ब्रास प्लेट है, कंडक्टर है, और के कंडक्टर्स का क्या होता है, इनफाइनाइट, इनकी रेशियो इनफाइनाइट तब होगी जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो यानी कि फोर्स ब्रास प्लेट में क्या होगी, जीरो। तो ये शॉर्टकट है कि दुनिया का कोई मीडियम आ जाए एक्सेप्ट कंडक्टर, तो डायल फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी, लेकिन अगर कंडक्टिंग प्लेट आ जाए तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर एट नाइन, एट में, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर चार्ज टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल इन एयर एंड मीडियम। देखो पोटेंशियल यहां पर सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, वो सिर्फ रेशियो ऑफ फोर्स पूछ रहा है एयर या वैक्यूम और मीडियम की, क्योंकि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ही होती है, तो यहाँ पोटेंशियल से फर्क पड़ता नहीं है। वैसे जब पोटेंशियल चैप्टर करेंगे तब आएगा, पर यहाँ पर पोटेंशियल को निगलेक्ट कर दो, वो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम पूछ रहा है, तो उसका रेशियो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, तो रेशियो ही पूछ रहा है सिंपल, ठीक है, पोटेंशियल हमने किया नहीं, इसको मत ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन, टेन दो तीन बार रिपीट हुआ है असाइनमेंट में, एक बार करते हैं बाकी रेपिटेशन में चला जाएगा। टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इन एयर एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ एफ ऑन ईच अदर। एयर है, वैक्यूम में फोर्स क्या है, एफ है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, बात खत्म हो जाती है। अब वो कह रहे हैं द डिस्टेंस एट विच दीज चार्जेस विल एग्जर्ट सेम फोर्स। तो सेकेंड पार्ट में आपको नया डिस्टेंस बताना है, लेकिन मान लो वो डिस्टेंस आर डैश है, तो आर नहीं रहेगा, आर डैश हो गया, फोर्स सेम रहे, वो कह रहे हैं जितनी वैक्यूम में उतनी मीडियम में। अब मीडियम में फर्क क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह फोर्स क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन एम हो जाएगी, तो मैंने मीडियम चेंज कर दिया, पर वो कह रहा है मीडियम चेंज करके, देखो कायदे से फोर्स तो चेंज हो जाती है, लेकिन वो कह रहा है मुझे फोर्स सेम रखनी है, कहता है डिस्टेंस को चेंज कर दो, आर की जगह आर डैश कर दो, वो चलेगा, तो मैंने डिस्टेंस को आर डैश कर दिया। मैंने आपको फर्स्ट डे करवाया था एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट की रेशियो क्या होती है, के, तो एप्सिलॉन एम क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो जो ये टर्म दिख रही है इसकी जगह के इनटू एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक?
तो एक आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में के और एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन एम की जगह और आर डैश हो गया, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्स शुड बी सेम, तो इसे और इसे इक्वेट कर लें, इक्वेट करके ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बाय आर स्क्वायर इज 1 बाय के इनटू आर डैश स्क्वायर, तो आर डैश की वैल्यू आएगी आर अपॉन रूट के, इज आंसर, मार्क कर लेना। तो इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन रिपीट भी है और इसी असाइनमेंट के अंदर ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछा गया है। तो अगर आर डैश निकालना है इन अ मीडियम ताकि फोर्स सेम रहे, तो आर डैश की वैल्यू आर बाय रूट के हो जाएगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक, फोर्स सेम करके आर को चेंज किया, दैट्स इट, तो फोर्स इक्वेट करके आर की जगह आर डैश हो गया और के भी साथ में हो गया, ठीक, कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि तीन चार्जेस हैं, क्यू 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पड़े हुए हैं, फिगर सिमेट्रिकल है, क्यू क्यू क्यू, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उस कैपिटल क्यू को आपने इसके सेंट्रोइड पे रखना है, सेंटर ऑफ सर्कल पे रखना है, जो कि सेंट्रोइड है। आपको बताना है कि ये तीन चार्जेस इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये चार्ज कैप स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की दूरी, इनमें दूरी और इनमें दूरी बराबर रहेगी, सेंट्रोइड का डिस्टेंस कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल से सेम ही रहने वाला है। तो अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे यहाँ रिपेल करेगा, तीन वेक्टर बनेंगे। आपको नेट फोर्स कहाँ निकालनी है, कैपिटल क्यू के ऊपर, तो तीनों वेक्टर कहाँ बनेंगे, कैपिटल क्यू के ऊपर। तो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, ये फोर्सेस देख रहे हो, एफ एफ एफ, ये यहाँ बन गया डायग्राम, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है तो इन तीनों फोर्सेज के बीच में एंगल 120 होगा, क्योंकि टोटल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 360, तो 120 120 120, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ बनेगा, कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एस एस कॉस ऑफ 120। मैथ्स में कॉस 120 माइनस हाफ है, आप यहां वैल्यू माइनस हाफ पुट कर लें, इसे सॉल्व कर लें, आंसर फिर से एफ ही आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ आ गया, नीचे अकेला एफ था, नेट आंसर जीरो आ गया। तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, जितने सिमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनमें चार्जेस सिमेट्री में पड़े हैं उनके सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखा जाए आंसर हमेशा जीरो आएगा। जैसे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे रखा तो नेट आंसर जीरो आया, सीधा मार्क कर देना पेपर में जीरो। अगर मान लो स्क्वायर आ जाता, मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है, तो ये भी नेट आंसर क्या देगा, कैंसिल 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 कैंसिल, जीरो। अगर रेक्टेंगल आ जाता, रेक्टेंगल के केस में भी ये इक्विडिस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आंसर जीरो। अगर पेंटागन आ जाता तो भी वेक्टर सम जीरो, हेक्सागन आता तो भी सेंटर पे आंसर, तो आंसर में जीरो कब नहीं आएगा, जब चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, अगर सारे चार्जेस वर्टेक्स पे सेम है तो आंसर जीरो ही मार्क करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो करने की जरूरत ही नहीं, आंसर याद हो गया, आंसर जीरो, बात खत्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में, डाउट 14th में, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथिन इज रब्ड विद अ वूल, इतना चार्ज इज डेवलप्ड इन अ पॉलीथिन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आगे होंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास जो कि ट्रांसफर हो गया। अगर मैं आपको ये बता दूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो बता देता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए फॉर्मूला लगाएं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो चार्ज आपको पता है 2 × 10⁻⁷, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। कई लोग मुझसे पूछेंगे क्लास के बाद, सर आपने ना माइनस नहीं लिया, फिर यह भी माइनस नहीं लिया, तुम क्या माइनस के चक्कर में पड़ोगे, एन तो पॉजिटिव ही आना है, उल्टा खुद ही उलझ जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी नेगेटिव हुए हैं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ही पुट करो, क्यू इज इक्वल टू एन ई, पॉजिटिव पॉजिटिव पुट करो, सीधा एन आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 × 10⁻³¹, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल मास आ गया, डन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मास की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कायदे से तो मैथ से सॉल्व होना चाहिए, हम भी करेंगे उलझ जाएंगे इसमें, हम शॉर्टकट सीखेंगे, बहुत बार प्लस वन के अंदर भी हमने बहुत यूज़ किया है ऐसा, फिर एक बार देखते हैं। ये शॉर्टकट आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा,
पर फिर भी ये 95 या 90% केस में चलता है, बहुत जल्दी आंसर निकालते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%, तो क्यू को तो चेंज किया नहीं, आर बढ़ा दिया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, अगर आर बढ़ेगा तो एफ घटेगी, एफ डिक्रीज आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब ये चीज देखने वाली है कि अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने एक ही कॉन्स्टेंट लगा दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू को के ही पुट कर दिया, तो अगर आर बढ़ेगा तो एफ कम होगा, तो जिसका आंसर इंक्रीज है वो तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। तो अब आर कितने परसेंट बढ़ेगा, 10%, तो कितने परसेंट एफ डिक्रीज होगा ये मुझे निकालना है। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज इन आर, मतलब आर टू माइनस आर वन बाई आर वन इंटू 100, ये है परसेंटेज चेंज इन आर। जब मैं बोलता हूँ परसेंटेज चेंज इन एफ, तो ये परसेंटेज चेंज इन एफ है, इसको लिखा जाएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 से, इसको लिखा जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 से, क्योंकि न्यूमिनेटर क्या दे रहा है आपको, चेंज इन एफ, और चेंज इन एफ को कैसे लिखा जाता है भाई, डेल्टा एफ। तो क्यों ना ऐसा करें, आपने एक चैप्टर दिया था एरर्स प्लस वन में, तो रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट लगा दें। रिलेटिव एरर क्या कहता था, डेल्टा एफ बाई एफ, कॉन्स्टेंट में एरर है नहीं, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। तो ये देखो क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन आर, ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन एफ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, तो ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन आर, ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन एफ, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन एफ, तो आपको परसेंटेज चेंज इन आर कितना गिवन है, 10%, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 20% आएगा, आपको ऑप्शन दिखेगा नहीं, पर जो नजदीक ऑप्शन होगा 20% के, 17%, वो अंदाजे से मार्क करना है। हाँ, आप पूछोगे कि अगर मान लो आंसर में दो आंसर हो जिसमें बहुत नजदीक हो तो क्या करें, फिर अपना अपना मैथ लगाओ परसेंटेज का और फिर आंसर निकाल लेना, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है, कोई जादू थोड़ी ना कि ऐसा हो जाएगा, फिर मैथ लगाओ, लगाओ परसेंटेज, वैसे 95% केस में चल जाता है, दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन से कैसे आंसर दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट है आर बाय रूट के, जो भी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। 17th में अगर धागा लें, दो चार्ज ले लें और कोई कुछ ग्रेविटी का असर ना हो, तो ग्रेविटी की वजह से वो, अगर ग्रेविटी है तो दो मास, दो चार्जेस ऐसे हो जाएंगे क्यू एंड क्यू, दरे पहले ही चदर ना, ऐसे हो जाएंगे, पर अगर ग्रेविटी का असर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगे, ग्रेविटी से नीचे रहेंगे, ग्रेविटी नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो मेरे हाथों में एंगल क्या है, 180, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रही है पूरी तरीके से, तो लेना 180 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सेम रिपीट है, आर बाय रूट के वाला सेम है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में इतना सा फर्क है, आर डैश निकालना है ताकि फोर्स रिमेन्स सेम, सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 19 an attractive force of 5 newton is acting between two charges 2 and minus 2 microcoulomb, ठीक है, if charges are mutually touched and placed again, जब touch करेंगे तो net charge क्या आ गया, 0, अलग करेंगे तो 0/2, 0/2, 0, तो फिर force कहां से आएगी, आएगी नहीं, तो answer क्या आएगा, 0, neutralize हो जाएंगे। 22 two point charges 2 and 6, तो 2 और 6 repel each other with a force of 12, ठीक है, if each is given an additional charge of -4, इसको भी -4, इसको भी -4, तो net charge क्या आ गया, 2, net charge क्या आ गया, -2, तो कह रहे फिर force क्या होगी, चलो case number 1, पहले charges 2 और 6 थे, तो force क्या थी, F, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 6, वैसे मेरे को करना चाहिए था 2 × 10 की पावर -6, 6 × 10 की पावर -6, ना माइक्रोकूलम है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मैंने किया नहीं क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को इन दो ही क्वेश्चन को डिवाइड करना है, तो डिवीजन में वो कैंसिल ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, देखो पहले 2 और 6 की फोर्स थी, अब -2 और 2 की फोर्स है, -2 और 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 × 2/r², और नई फोर्स क्या होगी, एफ डैश, डिस्टेंस चेंज करने को बोला ही नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर लें, ये सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर क्या आएगा, F/3, पहले केस में फोर्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 12 न्यूटन,
तो आंसर 12/3 यानी कि 4 न्यूटन आंसर आएगा। आ रहा हूं, यहां तक क्लियर है, 4 न्यूटन है। अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है, हम नॉर्मली फोर्स को मैग्नीट्यूड में लेते हैं, ठीक है। देखो, 2 और -2 माइक्रो कूलम की फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है। तो मैं तो या तो आंसर ऐसे बोलूंगा कि 4 न्यूटन की फोर्स है इनमें एंड फोर्स अट्रैक्टिव है, खत्म। या फिर मैं बोलूंगा -4 न्यूटन की फोर्स है, माइनस साइन अट्रैक्टिव शो करता है। क्योंकि अगर मुझे अट्रैक्टिव नहीं बोलना और मुझे बिना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव के वर्ड यूज करना है, तो मैं अपने मन में सोचूंगा एक चार्ज Q1 पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और अगर मैं साइन भी पुट कर दूं एक मिनट के लिए, अगर मैं साइन पुट करूं तो नेट आंसर नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सिव फोर्स है। तो जिन क्वेश्चंस में प्लस माइनस के साथ फोर्सेस गिवन है, फिर इसका मतलब माइनस का मतलब अट्रैक्टिव और प्लस का मतलब रिपल्सिव है। तो आपने -4 पुट करना है, या तो लिखा होगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव या -4 + 4। समझ में आ रहा है यहां तक? तो माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए 4 की जगह -4। काम मैग्नीट्यूड में करेंगे पर एंड में समझने के लिए प्लस माइनस का मतलब अट्रैक्टिव रिपल्सिव करेंगे, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आता है। अल्फा पार्टिकल तो याद कर लो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटोन है, मास 4 गुना ज्यादा प्रोटोन से है, चार्ज डबल है। तो वो कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर और कूलम फोर्स एफ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या बनेगा? 1/4πε0E(E)R² (1). अब वो कहेगा इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है वो प्रोटोन से ट्वाइस है और सेपरेशन उनके बीच में कितनी है? 2R है, R की जगह 2R है। तो फोर्स क्या बनेगी? 1/4πε0(2E)(2E)²². तो आप अगर इसे और इसे डिवाइड करें तो टर्म्स कैंसिल होगी, ई कैंसिल, R² कैंसिल, नेट आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, करना क्या, पता लग ही रहा है, 2 2s are 4, नीचे भी आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर सेम है। तो आंसर F' will remain same equal to F। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? इस टाइप की प्रॉब्लम तो बहुत आती है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है